Hello and welcome to our today's class. Today we are going to learn some words which have got some, tricky pronunciation. So let us start. The first one is, I was expecting an interesting interview, but the interviewer asked a few banal questions about the weather. Banal, banal. It's not banal, banal. Ordinary, not interesting, banal. तो मैं जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो इंटरव्यू के अंदर बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ हटकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि क्वेश्चन जो पूछे गए बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी थे, अबाउट वेदर, कि भाई आज मौसम कैसा है वगैरह वगैरह. बनाल, राइट? बनाल. यू मै यू नो इफ यू कैन से डबल ए एल, बनाल. You can say like this. Now, second one. Abundance of wealth and comfort often makes one abandon his responsibilities. Abundance, plenty of something is called abundance. And abandon, to leave, discard, jettison. Abundance of wealth and comfort. Wealth और comfort का जो ज्यादती होता है, abundance. अबंडेंस होता है, वो क्या करता है, ऑफन, अक्सर, ऑफन, नॉट ऑलवेज, ऑफन मेक्स वन अबेंडन. कभी कभी क्या होता है कि जो इनकी अफरात होती है, जो ज्यादती होती है वेल्थ की और कंफर्ट की, वो लोगों में उनके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ख़त्म कर देती है, वो अबेंडन करते हैं, वो छोड़ देते हैं. ठीक है, अबंडेंस एंड अबेंडन, अबंडेंस अबेंडन, abundance abandon. Researchers often administer placebo to patients to check the efficacy of a medicine. Efficacy, efficiency, efficacy, efficiency of something is called efficacy. Placebo is a kind of fake or mock, जैसे होता है mock test होता है आपका, एक तो होता है actual test जो जाकर देते हैं examination hall में, एक होता है mock test. तो ऐसी प्लासिबो होता है, प्लासिबो में कुछ जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो कुछ नहीं होती हैं, तो बस ऐसा ही होता है, एक डमी डमी मेडिसिन होता है. तो क्या करते हैं कि पेशेंट्स लोग को देते हैं वो, एक तो एक्चुअल जो होता है मेडिसिन वो देते हैं कुछ पेशेंट्स को प्लासिबो देते हैं, ताकि देख सकें जो अगर सेम रिजल्ट है दोनों में, जो प्लासिबो जिसको दिया उसमें भी वही रिजल्ट है कि कमी है या ज्यादती है, उसमें जो भी उसको प्रॉब्लम है, जो ट्रबल है, जो उसको डिजीज है, सेम है अगर, तो उसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल जो मेडिसिन थी वो भी काम नहीं कर रही है. लेकिन उसमें जो एक्चुअल मेडिसिन दिए उससे उसको राहत मिली, उसको थोड़ा रिलीफ मिला, और प्लेसिबो वाला कुछ, तो दैट मीन्स दैट देयर इज ए डिफरेंस इन एफिकेसी, इन एफिकेसी. तो प्लेसिबो, अ सगैशियस पर्सन इज इंटेलिजेंट एंड हैज द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस. तो ये जिसमें अपना आप इसका डेफिनेशन दे रखा है, वन वर्ड डेफिनेशन समझ सकते हैं आप. सगैशियस में दूरंदेश, सगैशियस समवन, अ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट एंड हैज द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस. जो दूरंदेश होगा, समबडी हु कैन सी फोर सी समथिंग, ओनली दैट पर्सन कैन मेक गुड डिसीजंस. तो सगैशियस. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The Taj Mahal is considered by many as epitome of beauty and elegance. Elegance, attractiveness in a lofty manner. Elegance. Epitome mean किसी चीज का small model. For example, beauty, courage, honesty, ये सब क्या है, ये abstract nouns हैं. तो इसको आप किसी चीज को अब personify कहना कह लीजिए आप, अगर मतलब इन अ वे. लेकिन यहाँ तो क्योंकि ताजमहल इज ए बिल्डिंग, कैन नॉट से पर्सोनिफिकेशन. तो उसमें क्या है कि इपिटमी, इपिटमी किसी किसी भी चीज़ का छोटा मॉडल, इपिटमी जो उसमें सारी खूबियां हो उसमें, और कुछ एक मॉडल उसको पेश करे, रिप्रेजेंट करे, उसको इपिटमी, इपिटमी. तो ताजमहल इज कंसिडर्ड बाय मैनी एज इपिटमी ऑफ ब्यूटी एंड एलिगेंस. नेक्स्ट वन, वी एंजॉयड इमेंसली, इमेंसली ह्यूजली, इमेंसली इन 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 ग्रेट मेजर. वी एंजॉयड इमेंसली द एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी मीन समथिंग विच इज डन विदाउट एनी प्रिपरेशन और एनी प्रैक्टिस. वी एंजॉयड इमेंसली द एक्सटेम्परी स्टोरीज टोल्ड बाय आर ग्रैंड मदर हु हैड द फैकल्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज ऑन डिमांड.
तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी, कोई भी जिसका भी स्टेटमेंट है, वो कहता है कि अब ही इंजॉयड द एक्सटेम्पररी, मीन जो स्टोरी सुनाया करती थी उसकी ग्रैंड मदर, वो कुछ बनाई हुई नहीं होती थी एकदम। जैसे उससे कहा कहानी सुनाइए मामा, ग्रैंड मामा, तो शी स्टार्टेड टेलिंग गुड स्टोरीज एक्सटेम्पररी एंड ऑनसाम्बल। ऑनसाम्बल ये फ्रेंच वर्ड होते हैं, ऑनसाम्बल ऑनबल ऑनसाम्बल एंड ऑनसाम्बल ऑफ इंडियन फोक डांस आर्टिस्ट आर्टिस्ट। देखिए आर्टिस्ट नहीं गाया पर, आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट द फर्क है। आर्टिस्ट इज अ समवन हु क्रिएट्स, इज अ क्रिएटर, इज अ राइटिंग राइट सिंगिंग, उसमें क्या होता है कि भाई क्रिएशन है इसमें। और जो आर्टिस्ट आर्टिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, टू फॉर एंजॉयमेंट दे इंटरटेन यू, परफॉर्मर इंटरटेन यू। तो आर्टिस्ट एंड ऑनसाम्बल मीन ग्रुप, ट्रूप, ट्रूप ऑफ डांसर्स एंड ऑनसाम्बल ऑफ इंडियन फोक डांस आर्टिस्ट स्टॉप फॉर लंच ऑन रूट, ऑन अगेन ऑन ऑन रूट टू द थिएटर। थिएटर जा रहे थे वो परफॉर्म करने के लिए, रास्ते में रुके लंच के लिए, ऑन रूट ऑनसाम्बल 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 ट्रूप, ग्रुप ऑफ डांसर्स परफॉर्मर्स। फोक डांस, फोक डांस मीन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इज कॉल्ड फोक डांस। अ कॉन्स्टेंट फोकस ऑन वंस गोल एंड परसिस्टेंट परसूट ऑफ इट्स इज जस्ट इनफ टू स्टीयर क्लियर फ्रॉम ऑन वी, ऑन वी ऑन वी कहते हैं अमेरिकन, ऑन वी ऑन वी ऑन वी। यू कैन रफली से लाइक दिस ऑन वी, यू कैन ब्रेकअप लाइक दिस ऑन वी ऑन वी ऑन वी, मीन अ फीलिंग ऑफ डिजेक्शन, अ फीलिंग ऑफ यू नो वैन यू फील बोर्ड एंड वैन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर लाइफ, इट्स कॉल्ड ऑन वी, फीलिंग ऑफ ऑन वी। द कॉन्स्टेंट फोकस ऑन वंस गोल, कॉन्स्टेंट मीन कंटिन्यूअस विथ फुल कंसेंट्रेशन। जो आपका गोल है, जो आपका एम है, उस पर आपने अगर रखते हो अपना फोकस, अर्जुन की तरह से जो कि उसने मछली की आंख पर तीर का निशान लगाया था ना, उसने एक लक्ष्य भेदने के लिए, तो उस तरह से आप रखते हो लक्ष्य भेदने का, आपको कॉन्स्टेंट आपका एक कॉन्सेंट्रेशन है अपने गोल पर। और परसिस्टेंट परसूट कहते हैं टू फॉलो समथिंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, आपका परसिस्टेंट के भाई करना ही है, इसको हासिल करना है, गोल आपने सेट किया, देन यू फॉलो इट, देन यू परसू इट ऑफ इट्स जस्ट इनफ। ये इतना ही काफ़ी है कि आपको दूर रखने के लिए जो आपके अंदर डिप्रेशन होता है, जो आपका फीलिंग ऑफ यू नो डिजेक्शन होता है, जो व्हेन यू फील लेट डाउन बाय समवन, आई मीन यू फील लाइक यू नो एंडिंग अप योर लाइफ एसेट्रा एसेट्रा। तो ऑन वी राइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। He was indicted, 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 indicted. I see not, not indicted, indicted. Formally charging someone, right? Official. I mean, when someone has been proven guilty, indicted for violating man tenets, tenets, not tenets, tenets. Tenets, tenets. He was indicted for violating main tenets of democracy, democracy, democracy. Though we are not native people, I mean, we may make some kind of mistakes, but it's better to do justice with the pronunciation as far as possible. So, he was indicted for violating main tenets of democracy. Tenets mean basic rules, basic principle of something. It's called tenet. Despite, not despite, despite. Despite his vehement, vehement, not vehement, vehement opposition, the man pulled him in the moving vehicle. Vehicle again, H, keep the H silent. I mean, it is not required. I mean, you don't have to stress on it. Despite his vehement opposition, the man pulled him in the moving vehicle. वो उसने बहुत संघर्ष किया कि वो ना बैठे, डिस्पाइट मीन इसके बावजूद, लेकिन फिर भी उसने उसको खींच लिया, उसको अपनी गाड़ी में मूविंग व्हीकल में बिठा लिया। द लीडर हैड एक्सपेक्टेड अ बिग क्राउड बट टू हिज शैग्रिन, 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 शैग्रिन मीन एम्बेरसमेंट, व्हेन एम्बेरसमेंट यू फील व्हेन समथिंग
what you expected had not turned out to be what you expected. I mean, तो आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, आपको annoyance, embarrassment फील करता है, उसको कहते हैं chagrin. तो ये वही सिचुएशन है. द लीडर हैड एक्सपेक्टेड अ बिग क्राउड. उसको वो समझता था कि जो लीडर के बहुत बड़ी उसकी क्राउड आएगी उसको सुनने के लिए, उसका स्पीच सुनने के लिए. बट क्या हुआ, ओनली अ स्मॉल क्राउड टर्न आउट. लेकिन कुछ छोटी सी क्राउड आई, तो उसको देख कर उसको बहुत शैगरिन, बहुत एम्बेरस फील करा, बहुत एनॉयड, बहुत मतलब ज़्यादा उसने अच्छा महसूस नहीं करा, शैगरिन. ही बाउड, बाउ झुकना, बाउड. He bowed to the king and offered him the golden bowl. Bowl, not bowl, bowl. Bowl, bow, bowl. Bowl में जो होता है ना कि ऐसा बर्तन, एक यूटेंसिल होता है, इट्स कॉल्ड बोल. बोल हम लोग में सम पीपल ओपन आई हैव हर्ड और सम एज आई टोल्ड यू दैट वी आर नॉट नेटिव पीपल बट वी शुड ट्राई टू बी वी शुड ट्राई टू बी लॉयल टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए गिवन लैंग्वेज, बी इट हिंदी, उर्दू और संस्कृत, नो मैटर वॉट. तो बोल बोल कहते हैं, स्पेशली वैन यू आर सिटिंग समवेयर इन ए होटल और इन रेस्टोरेंट, यू से ये बाउल दे दो, तो इट यू नो साउंड्स वेरी एम्बेरसिंग. बोल बोल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Let us move to this side. By style or category of art, music, literature, or film is called genre. Genre. Genre भी कहते हैं लोग, लेकिन मतलब जो correct pronunciation है genre. Genre. Z. Genre. 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 एक style होता है category. Style या category होती है किसी literature, जैसे कोई art film है या एंटरटेनमेंट फिल्म है या कुछ मतलब म्यूजिक, पॉप म्यूजिक हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, तो जॉनर, जॉनरे, जॉनर नहीं, जॉनरे, जॉनरे, जॉनरे फ्रेंच वर्ड है. डेंगी, 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 नॉट डेंगू, अक्सर लोग कहते हैं डेंगू, तो डेंगी, डेंगी. डेंगी इज अ वायरल डिजीज, वायरल डिजीज, डिजीज ज. Dengue is a viral disease that is transmitted by mosquitoes. Mosquitoes. Not mosquitoes, mosquitoes. Dengue is a viral disease that is transmitted by mosquitoes. The disease, yahan see, yahan disease, disease, yahan aise aayega, disease. Jo matlab dead victim, dead people, disease. The deceased employee will get the appropriate compensation. Compensation, जो उसका compensation होता है, जो compensation है, something is given in lieu of some loss, called compensation. तो disease, बीमारी, viral disease, kind of बीमारी वगैरह. Deceased, adjective, एक मरा हुआ लोग, dead person. Deceased employee, victim, employee will get the appropriate, appropriate mean जो उसको जो इसके प्रॉपर प्रॉपर तरीके से हो, जो उसका अनुपात, अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएट कंपनसेशन. ही इज ऑलवेज प्लीज टू बी कॉल्ड बाय हिज सोबरी के, सोबरी के, सोबरी के, सोबरी के कहते हैं निक नेम जो होता है ना, एक आपका एक्चुअल नेम होता है, फिर आपको कुछ जैसे गुड्डू, पप्पू, राइट, नल्लू, निया वगैरह वगैरह कहते हैं, तो उसको कहते हैं सोब्रीके. तो ही इज ऑलवेज प्लीज टू बी कॉल्ड बाय हिज सोब्रीके रादर देन हिज रियल नेम. कहते वो अजीब आदमी है कि खुश होता है कि उसको कोई पुकारे उसके असली नाम से नहीं बल्कि उसके उसके सोब्रीके, उसके निक नेम से पुकारे, सोब्रीके. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. It is silly of him to have bought such an expensive gadget with the caveat, caveat that it may not work for a long, for long. Kehna ajeeb bewakoofi ki baat kari, silly of him, right, stupid of him, kehte hai na, stupid of you, silly of you, jab kehte hai kisi to badi bewakoofi ki baat kari aapne, to stupid of you, silly of you. To kehna it is silly of him to have bought such an expensive gadget.
कितनी बेवकूफ़ी करी कि इतना महंगी चीज़ खरीद ली उसने, जबकि उसमें कैवियट लिखा हुआ था, एक लिखी हुई थी कि भाई छोटा सा एक लाइन होता है, कैवियट कहते हैं स्टेटमेंट विच स्टेट दैट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू और इफेक्टिव, कि उसमें ये जी लिखा हुआ था भाई इसमें काम करे ना करे बहुत दिन तक हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसको आप ले लीजिए। तो इतना महंगा खरीदा, उसमें लिखा हुआ था साफ तौर पर, फिर भी ले लिया, तो इट्स वेरी सिली ऑफ हिम, वेरी स्टूपिड ऑफ हिम। द मनी वॉज गिवन टू द ऑफनेज, ऑफनेज ऑफनेज कहते हैं जहाँ यतीम लोग रहते हैं ना, जहाँ पर यतीम खाना। द मनी वॉज गिवन टू द ऑफनेज विद द परवाइजो, परवाइजो फ्रेंच अगेन, परवाइजो परवाइजो कंडीशन बिफोर आई मीन अग्रींग टू डू समथिंग फॉर समवन इज परवाइजो। द मनी वॉज गिवन टू द ऑफनेज विद द परवाइजो दैट इट शुड बी स्पेंट ऑन द एडुकेशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस। अमेरिकन इंग्लिश में आर को पढ़ लेते हैं, हल्का सा आर आ जाता है, ऑफेंस कह देते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश जो हम फॉलो करते हैं जिसको कोड लैंग्वेज कहा जाता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो उसमें ऑफेन, ऑफेन, ऑफेंस, यतीम, अ पर्सन हु डज नॉट हैव, हु हैज लॉस्ट हिज मदर एंड फादर, ऑफेन। द कंस्पिरेसी, कंस कंस्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी नहीं, कंस, द कंस्पिरेसी अगेंस्ट मी वॉज वेरी मच कंस्पिकुअस, हैंस आई वॉज रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसिस, कॉन्सिक्वेंसिस यहाँ पर आपका कौन सी ही आना चाहिए, यहाँ पर कंस्पिरेसी एंड कंस्पिकुअस, क्लियर टू सी, क्लियर टू सी, कंस्पिकुअस छुपी हुई चीज़ नहीं दिखी हुई, आया बहुत, एवरीबडी कैन सी, कॉन्स्पिकुअस। कंस्पिरेसी षड्यंत्र, षड्यंत्र, द कंस्पिरेसी अगेंस्ट मी वॉज वेरी मच कंस्पिकुअस, हैंस आई वॉज रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसिस, जो कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्लियर थी, सबको पता था क्या है, मुझे भी पता था क्या है, इसलिए मैं तैयार था कॉन्सिक्वेंसिस के लिए, कॉन्सिक्वेंसिस मतलब उसके नतीजे के लिए, जो भी उसका नतीजा होता, उसके लिए आई वॉज रेडी। द आर्मी, आर्मी नॉट आर्मी, अगेन आर्मी, फिर अगेन आई मीन अमेरिकन पीपल कॉल इट आर्मी, थोड़ा सा स्लाइड सा आर ले आते हैं वो आर्मी। द आर्मी हैज़ बीन हेल्ड बैक, हेल्ड बैक, हेल्ड बैक फ्रेजल वर्ब, इट्स अ फ्रेजल वर्ब, रोकना, होल्ड बैक। द आर्मी हैज़ बीन हेल्ड बैक बिकॉज द गवर्नमेंट इज रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट मीन अनविलिंग, अनविलिंग, रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट टू मेक मार्टर्स, मार्टर्स, मार्टियर्स नहीं, मार्टर्स, मार्टर्स शहीद। द आर्मी हैज बीन हेल्ड बैक बिकॉज द गवर्नमेंट इज रिलेक्टेंट टू मेक मार्टर्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स कहते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो चाहती नहीं थी गवर्नमेंट के उनका, उनको शहीद, उनको मारें, अगर उनको गोली चलाई जाए, उन पर मारे जाए, तो वो एक उनको शहीद का दर्जा मिल जाएगा एक, ठीक है, तो वो चाहती नहीं थी गवर्नमेंट, रिलेक्टेंट थी, इसलिए उन्होंने हेल्ड बैक करा, होल्ड बैक करा किसको, आर्मी को। सो दीज वर सम वर्ड्स विच वी थिंक के माइट हैव बी माइट माइट हैव बीन ऑफ सम यूज फॉर यू। तो लेट अस एंड ऑफ टुडे सेशन, और डू वी हैव अनदर स्लाइड, लेट्स, लेट मी चेक इट, नो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगैन वेरी सून।